एक बजट सत्र 2021 में कितनी, एक बजट सत्र 2022 में कितनी बार सदन बुलाया गया, एक बार बजट सत्र 2023 में कितनी बार सदन बुलाया गया, एक बार बजट सत्र। उसके अलावा असेंबली की जरूरत ही नहीं है, इसके अलावा माननीय असेंबली की जरूरत ही नहीं है। ये किस तरह से असेंबली चला रहे हैं माननीय माननीय कैबिनेट कैबिनेट के अधिकारी की दिया दुहाई दे रहे हैं। 2022 में 6 कैबिनेट बैठक सिर्फ हुई है, एक साल में सिर्फ 6, इसमें से 3 बजट रिलेटेड है और 3 एक बिजली कंपनी को सहायता करने के लिए बुलाई गई, बाकी एक भी कैबिनेट नहीं बुलाई। माननीय 2023 में सिर्फ 2 ही कैबिनेट बुलाई गई और दोनों बजट के कामकाज के लिए बुलाई। अब आप क्या भैया कैबिनेट का दुहाई देते हो, क्या अधिकार का दुहाई देते हो? ना कैबिनेट मिलती है, ना सदन मिलता है और हमें डेमोक्रेसी पढ़ाते हो भाई? ऐसा कभी नहीं होता भाई। ये जो कहते हैं ना कि क्या विशेष हुआ था, इसलिए मैं समझाता हूं मान्यवर क्या विशेष। मान्यवर IRTS, एम्स, दिल्ली मेट्रो, IIT दिल्ली, UR जैसे ढेर सारे योजनाओं का क्लियरेंस न मिलने के कारण ये इंस्टीट्यूशन और ये डेवलपमेंटल काम दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहे हैं, वो राजनीतिक रूप से रोक कर बैठे हैं। 5G टेक्नोलॉजी लाने का रास्ता मोदी जी सुगम करना चाहते थे, हमारे अश्विनी भाई बार बार पत्र लिखते हैं, 2016 से झगड़ा चल रहा है मगर इस पर कार्यवाही नहीं करी और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इसको इनको सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय है, मगर 5G टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने के लिए जो सहायता चाहिए भारत सरकार को वो करने का समय नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसको अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। दिल्ली के अंदर 91 से 2015 तक यही व्यवस्था, इसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी मान्य, और कोई कानून या कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मान्यवर, मैं फिर से एक बार सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ सदन के सदस्यों ने कहा कि ये बिल संविधान सम्मत नहीं है और संविधान के अधिकारों को ये बिल कानून के द्वारा संविधान सुधारने का प्रयास है। मान्यवर, मैं इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अध्यादेश और बिल के अंदर थोड़ा फर्क। अध्यादेश के अंदर धारा 3A है जो बताती थी कि दिल्ली विधानसभा को एंट्री 41 यानी सेवा मामलों पर कानून नहीं बना पाएगी, ये अध्यादेश के अंदर। फिर हमने इसको ध्यान से बारीकी से अध्ययन किया, काफी लोगों की राय भी ली और लगा कि ये एकदम वायोलेशन तो नहीं है संविधान का मगर ग्रे एरिया है, इसलिए जो मैं बिल लेकर आया हूँ, विधेयक लेकर आया हूँ, इसमें धारा 3A को भारत सरकार ने ही हटा लिया है, इसलिए वायोलेशन का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। धारा 3A को हमने हटा लिया है, अध्यादेश से हटाकर बिल में धारा 3A को नहीं डाला गया है। अब दिल्ली की विधानसभा को भी सेवा में कानून बनाने का अधिकार है, आप बना सकते हो, मगर केंद्र का कानून अभी जो बना है इससे कॉन्ट्राडिक्टरी कानून नहीं बना सकते हो, इतना ही है। माननीय अध्यक्ष जी, एक मैंने कह दिया अगर 239AB, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि मंत्रियों के अधिकार अफसरों को दे दिए गए, कैबिनेट के अंदर अफसर कैबिनेट नोट भेजेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो 2 सरकारों में रहा हूँ, गुजरात सरकार में रहा हूँ और अभी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में काम रहा हूँ, कभी मैंने एज अ मिनिस्टर कैबिनेट नोट साइन नहीं किया है, फाइल साइन की है मगर कैबिनेट नोट तो सेक्रेटरी ही भेजते हैं। शायद आप लोगों के राज्य में मंत्री की सिग्नेचर से जाती है तो मुझे मालूम नहीं है, अगर कोई ऐसा दूसरा राज्य है तो भी बताना चाहिए सदन को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं खंडवार जवाब देना नहीं चाहते, इतना ही कहना चाहता हूं कि 45A
45(1) को जो उद्धृत कर सब लोग बोल रहे थे, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें दिए गए सारे प्रावधान ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 में पहले से मौजूद है, 93 से है, जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। हम कुछ नया नहीं लाए, मगर वो रूल्स को मानते नहीं थे, इसलिए रूल्स को एक्ट का हिस्सा बनाया गया है। 93 से रूल्स के हिसाब से दिल्ली चलती है, फुल स्टॉप कॉमा का फर्क नहीं है साहब इसमें। ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे, उसको ही हम एक्ट में अमेज किए हैं और इसलिए करने पड़े हैं कि एक ऐसी सरकार चुनकर आई जो रूल्स को मानती नहीं है, इसलिए एक्ट में डालना पड़ा। मान्यवर, ये सारे अधिकार जो है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्य विभाजन है और कार्य पद्धति है, ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए, मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे, मगर ये नहीं करेंगे। मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, उनको गठबंधन बचाना है। मान्यवर, मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई, मैं बताना चाहता हूं, खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। खैर, वो आपको देखना है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है, जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। कांग्रेस तो गृहमंत्री